हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। कारोबारी मनीष गुप्ता मौत मामले में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराने की बात कह रही हैं। हालांकि मृतक की पत्नी मीनाक्षी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग पर अड़ी हुई हैं। अब इस मामले में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बंद कमरे में कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार से मान मनवल किया जा रहा है। जहां वायरल वीडियो में परिवार को अधिकारी समझा रहे हैं कि FIR होने से पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही कहा जा रहा है कि कोर्ट में मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन मृतक की पत्नी सजा पर अड़ी हुई है। वीडियो में पुलिसकर्मी को साफ कहते हुए देखा जा सकता है कि कानून जो है उस पर आपको भी विश्वास रखना चाहिए और हमें भी। हम दोनों ही लोग कानून को मानते हैं। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है कि सालों तक कोर्ट में चलता रहेगा। इनका पहले से तो कोई झगड़ा नहीं था, वो वर्दी पहन कर गए। झगड़ा बीच में हुआ, उसका कारण भी मैंने आपको दिया, इसलिए हम आपकी बात सुन रहे हैं। वीडियो में एक IPS अधिकारी साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि मैडम ने कहा निलंबित कर दीजिए, तो मैंने कर दिया और तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाए। इस पर मृतक की पत्नी मीनाक्षी ने कहा कि मुझे उनकी नौकरी नहीं चाहिए, भैया उनको पूरी तरह से नौकरी से हटाइए या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। वहीं मीनाक्षी ने कहा कि उनकी मांग है कि मामला फिलहाल कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बार बार गोरखपुर भागकर नहीं आ सकती। इसके अलावा वो चाहती हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, 50,000 रुपये हर्जाना दिया जाए। वहीं मीनाक्षी ने कहा कि वो CBI जाँच नहीं चाहती हैं, चाहती हैं कि जाँच SIT टीम से कराई जाए। आपको बता दें कि कारोबारी की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने CM से न्याय की गुहार करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, साथ ही होटल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। मीनाक्षी गुप्ता ने कहा कि CM योगी ने हमारी मदद की है। दरअसल कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आए थे, यहाँ संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया था। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।